एक मछली को मैंने पकड़ा और यहाँ पे पानी के अंदर डाला। देखिए कितना इतना मजेदार ये सीन है। दोस्तों आप देख रहे हैं सुंदर नेचर और देखिए सर्दी का मौसम है, चारों तरफ पानी सूख चुका है, लेकिन यहाँ पे सड़क के किनारे थोड़ा सा पानी है, देखिए यहाँ। तो इसके अंदर आज मैं पकड़ूंगा मछली और क्रिएचर्स। दोस्तों देखते हैं क्या चीज इसमें मिलेगा। ये जो घास दिखाई दे रहा है इसके अंदर छिपी हुई है। और ये देखिए दोस्तों हमारा नेट है, फिशिंग नेट, ये बिल्कुल खाली है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे फिशिंग नेट डालता हूँ, इसके अंदर मछली है मुझे यकीन है दोस्तों। देखिए तो देखते हैं क्या चीज पकड़ में आता है। यहां भी देखता हूं और इसके अंदर भी देखता हूं। इसके अंदर तो इतनी सारी मछलियां हैं दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मछली है इसके अंदर। तो देखिए यहां पे मैं छान के देखता हूं और इसको मैं थोड़ा धो लेता हूं। धोने के बाद से मैं अपना फिशिंग नेट यहां बाहर लाता हूं और आप देखेंगे दोस्तों इसके अंदर, ये देखिए मछली इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको निकाल करके बाउल के अंदर रखता हूं, इसमें तो बहुत सारी मछलियां हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों थोड़ा मैं करीब से दिखा देता हूं इसके अंदर कितनी सारी मछलियां हैं। तो इसको मैं निकाल करके बाउल के अंदर रखता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर अपना बाउल लेके आ चुका हूँ और सारी मछलियों को मैं निकाल के रखता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ये मर जाएंगी। देखिए एक मछली को मैंने पकड़ा और यहाँ पे पानी के अंदर डाला। देखिए कितना एक मछली को मैंने पकड़ा और यहाँ पे पानी के अंदर डाला। देखिए कितना तेजी से मछली भाग रही है। तो अब मैं और सारी मछलियों को निकाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी मछली है और इसको मैं पकड़ के यहाँ बाउल के अंदर डाल रहा हूँ। देखिए अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इनको जल्दी जल्दी मैं पकड़ लेता हूँ, क्योंकि पानी सूख गया है तो इनको मरने का डर है। देखिए तो इनको भी मैं पानी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, वाह। और देखिए यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ, पकड़ने के बाद से इन दोनों मछलियों को पानी के अंदर मैं डाल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ बारी बारी से पकड़ लेता हूँ, पकड़ने के बाद से इनको पानी के अंदर डालता हूँ, मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ इसके अंदर हैं, वाव वाव। ये देखिए दोस्तों, तो इनको भी मैं बाउल के अंदर रखता हूँ। वाह, थोड़ा और देखता हूँ, वाह। ये देखिए ये मछली और कितनी सारी मछली, ये देखिए मछली। तो इनको मैं पानी के अंदर रख लेता हूँ। अब देखता हूँ इसके अंदर, ये एक ये है, देखिए दोस्तों कितना सुंदर ये मछली दिखाई दे रही है। तो इसको भी मैं पानी के अंदर रख लेता हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया। और इसको मैं देखता हूँ इसके अंदर थोड़ा सफाई करके, एक ये दिखाई दे रही है मछली, तो इसको भी मैं पानी के अंदर रख लेता हूँ। और देखिए कितना बेहतरीन, कितना अच्छा चल रही है सब। और इसके अंदर मैं मछली देखता हूँ, वाह। एक ये तो यहाँ पे है, दो है यहाँ पर, तो दो मछली है और यहाँ भी है। और ये देखिए अभी तो बहुत सारी मछलियाँ हैं इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों कितनी सारी मछलियाँ इसके अंदर। तो इनको भी मैं पकड़ के पानी के अंदर डाल लेता हूँ। वाह, ये देखिए मछली इसके अंदर, मछली मछली बहुत सारी मछलियां हैं। ये देखिए
तो दोस्तों एक ही जाल में इतनी सारी मछलियाँ आ गई। देखिए इनको भी मैं पानी के अंदर रख लेता हूँ। वाह ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन मछली। और थोड़ा इसको सफाई करके देखता हूँ मैं। तो आहा एक इंसेक्ट भी है, ये देखिए चल तो नहीं रहा है लेकिन जैसे ही मैं पानी में डालूंगा ये अपना, ये देखिए निकल के भागा। मुझे पता था कि पानी में डालूंगा तो वो भागेगा। तो फाइनली दोस्तों अब इसके अंदर कुछ नहीं है तो इसको मैं खाली कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों देखिए हमने इतने सारे मछलियों को पकड़ा है। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि सर्दी के मौसम में यहाँ इतनी सारी मछलियाँ मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मछलियाँ थी। तो दोस्तों देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं थोड़ा करीब से इनको दिखाता हूँ, देखिए कितनी ब्यूटीफुल हैं। और थोड़ा सा हाथ में इनको पकड़ के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना मज़ेदार ये सीन है। देखिए मछलियाँ किस तरह से, और ये देखिए देखिए किस तरह से इतनी सारी मछलियाँ मैंने यहाँ पे पकड़ा है। और ये देखिए मैं हाथ में पकड़ के दिखला रहा हूँ, तो इनको मैं वापस रख देता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके दोस्तों सुंदर नेचर देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।